तुम्हारे स्कूल में क्या दिक्कत है? 8 महीना से कल बिगड़ गया है। बिगड़ जाने से क्या परेशानी है? मुझे गांव में जाना पड़ता है पानी पीने के लिए, या आंगनबाड़ी तक जाना पड़ता है। बिहार राज्य जिला कैमूर प्रखंड भगवानपुर पंचायत में राजपुर गांव में न्यू प्राथमिक विद्यालय में 128 बच्चे एवं बच्चियाँ पढ़ते हैं। उस विद्यालय में कचम्पा कल 8 माह से बिगड़ा हुआ है और हेडमास्टर के लापरवाही के कारण वो नहीं बना रहे हैं। हम लोग प्लेट धोने के लिए जाते हैं पोखरा में, पोखरा में गिर जाते हैं और मुझे घाव लग जाता है। इसके लिए आप लोग मैडम से हेडमास्टर से बोले हैं कि नहीं? बोले हैं, कभी पर भी कॉल नहीं लगवाई। बच्चन के परेशानी बाकी खाना खात बना तो प्लेट लेके पोखरा में धोवे जात बना, पोखरा में गिर भी जाता ना, डूबे लगता ना, घाव भी लग जाता। वो के अलावा गाँव में थाली लेके आवता ना, वो से आंगनबाड़ी केंद्र पर जाता ना, आंगनबाड़ी भी बोलता ली। बहुत परेशानी बा लेकिन के साथ। इसके लिए गांव के लोगों ने कुछ किए हैं कि नहीं? काहे अपना से तो कुछ कह नहीं बना, लेकिन मास्टर लोग नहीं चाहते तभी ना। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया कि राजपुर न्यू प्राथमिक विद्यालय में मेरे भी बच्चियाँ एवं बच्चे पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि न्यू प्राथमिक विद्यालय राजपुर का कल बन जाए ताकि बच्चा तालाब में न जा। इस वीडियो को जो भाई बहन देख रहे हैं उनसे मेरा कहना है, अपील करती हूँ कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 85 44 41 14 32 पर कॉल करें और वो न्यू प्राथमिक विद्यालय राजपुर में कल बनवाने में मेरी मदद करें। मैं ममता देवी, राजपुर जिला कैमूर, राज्य बिहार, इंडिया, नहट के लिए।